कि जो जहाँ ग्राफ्ट होती है उसको हमेशा मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए। ग्राफ्ट का जो पोर्शन है वहाँ पर फंगस या दिक्कत या दूसरी बीमारी लगने का खतरा हो जाता है और वहाँ से वो पेड़ खराब होने लग जाता है। फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या है कि पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है, और कई बार कई केसेस में अगर फंगस लग जाता है और ग्रोथ रुक जाती है तो उसके बाद पेड़ के मरने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे कि अभी सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये चीकू का एक पौधा लगा हुआ है मेरे, देखिए। और करीब करीब ये मान लीजिए 6-7 महीने हो गए हैं इसको लगाए हुए। और अगर मैं इसकी ग्राफ्टेड वैरायटी है ये चीकू की, लेकिन स्पेसिफिक वैरायटी की चीकू, कौन से चीकू की वैरायटी है ये, वो तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। लेकिन ये ग्राफ्टेड है और इसके लिए जो है एक जो है मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था, जिसमें जो कि है जनरली हम सब लोगों के साथ होता है कि भाई अगर स्पेशली अगर आप मिट्टी में लगा रखा है तो मिट्टी जो है ग्राफ्ट को ढक देती है, और अगर गमले में भी लगा रखी है तो भी जाने अनजाने हम जो हैं जब उसकी खोदी लगाते हैं उस पौधे में, पेड़ में, तो वो मिट्टी जो है धीरे 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 धीरे, स्पेशली ये बारिश के टाइम में होता है जब नीचे लगा रखी होती है आपने कोई भी पौधा पेड़, तो क्या कि ग्राफ्ट के ऊपर तक वो मिट्टी बह बह के आ जाती है, जैसे कि मेरे इस चीकू के साथ हुआ था। तो मैं कई दिन से सोचा था इसके साथ इसका एक अपडेट शेयर ज़रूर करूँगा आपको, आपके साथ। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसकी जो ग्राफ्ट है, तो पहले ये मैं बताने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, किसी को नहीं पता, या तो जब भी कोई ग्राफ्टेड पेड़ आप लगाते हैं तो उसकी जो जहाँ ग्राफ्ट होती है उसको हमेशा मिट्टी के ऊपर रखना चाहिए। उसके ऊपर मिट्टी कभी भी ढके, मिट्टी ना, मिट्टी से दबे ना वो ग्राफ्ट जो है, ग्राफ्ट का जो पोर्शन है। नहीं तो क्या होगा कि वो जो है वहाँ से वो खराब होना, या वहाँ जो ग्राफ्ट का जो पोर्शन है वहाँ पर फंगस या दिक्कत या दूसरी बीमारी लगने का खतरा हो जाता है और वहाँ से वो पेड़ खराब होने लग जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि ग्राफ्ट को, जब भी आप पेड़ को लगाएं, पौधा लगाएं, तो ग्राफ्ट को ज़मीन के लेवल, जो मिट्टी का जो लेवल है उससे ऊपर उठा के लगाएं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राफ्ट बिल्कुल जड़ के बिल्कुल पास होता है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि भाई उसको, तो कोशिश कीजिए जितना जितना उसको जो है आप मिट्टी के ऊपर रख पाएं। और अगर लंबी ग्राफ्ट है, लंबी तने में ऊपर ग्राफ्ट लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे मेरे इसमें चीकू के पेड़ में था कि इसकी जो ग्राफ्ट है वो बहुत नीचे थी, मतलब जड़ के पास। तो आइए उसको, जड़ को जो है पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ्ट, मतलब यहां से पहले यहां थे, मिट्टी यहां तक आ गई थी और करीब करीब 6 इंच मिट्टी जो है बारिश में जो है वो ग्राफ्ट के ऊपर चढ़ गई थी। और मैंने भी कई दिनों तक ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, मैं अपने थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी हो गया, तो मेरे को जो है इस चीज़ की दिमाग से निकल गया था। और फिर 2-3 दिन में जब याद आया, मैंने सोचा एक वीडियो के साथ, एक ज़रूर आपके साथ एक नॉलेज वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। जनरली हमारे सबके साथ होता है ये। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो चीज़ है यहाँ पर उभरी जो हुई है, ये ग्राफ्ट लगी हुई है इधर से इधर तक, ये भी यहाँ पर और यहाँ पर, ये सारी ग्राफ्ट है यहाँ पर। और इससे नीचे का जो पोर्शन है वो जो बीजू पौधा होता है उससे, जो बीज से जो उगाया जाता है उससे उगाया हुआ है, और ऊपर जो है ये ग्राफ्टेड है। तो जब हम मिट्टी यहाँ इसके लेवल में आ जाती है, ग्राफ्ट को कवर कर लेती है, जैसे कि मिट्टी यहाँ तक आई हुई थी, ग्राफ्ट को पूरा यहाँ तक, ये जो ग्राफ्ट है का हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, तो ये इसको पूरे को कवर, यहाँ तक कवर किया हुआ था, जिससे कि क्या है कि पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है, फंगस लगने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कई बार कई केसेस में अगर फंगस लग जाता है
और ग्रोथ रुक जाती है तो उसके बाद पेड़ के मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे की ग्राफ्ट जो है हमेशा मिट्टी के लेवल से ऊपर होनी चाहिए। अभी देखिए मेरे इस यहाँ से ये जड़ है इसकी, और यहाँ से इसकी ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 3 इंच का फ़र्क है। तो इसीलिए जो है मैंने इसको इतनी ऊपर लगाया था कि भाई, और हमेशा इसको ज़मीन से जितना ऊपर आप रख सकते हैं, आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी ग्राफ कितनी ऊपर है उसको उस हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं, उतना उस लेवल के हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काम आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।